महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आप जो प्यार और सपोर्ट आपके चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में आपके दरिद्रता और काला जादू कौन लेकर आ रहा है। अब ये लोगों को हमें कैसे पहचानना है, ये लोग आखिरकार है कौन, और इससे जो परेशानियां हमें हो रही होगी वो देखिए, पहले आप परेशानी समझ ले, इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हम तकलीफों में चल रहे हैं। जैसे पहला संकेत होता है हमारे काम नहीं बनना, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं बनते हैं। बार बार हमारे धोखे हो जाना, मतलब बार बार व्यक्ति के साथ छल कपट हो जाना, एक छल किया फिर दूसरा छल कपट हो जाना, पैसे बार बार डूबते जाना, घर में कोई लगातार बीमार होते रहना और खर्चे स्वतः ही बढ़ते रहना, हम चाहकर भी उन खर्चों को कम नहीं कर पाते हैं और कुछ न कुछ खर्चे चलते ही रहते हैं। इसके अलावा कुछ संकेत ऐसे हैं कि व्यक्ति बहुत भ्रमित हो जाता है, लोग गलत संगति में लग जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है जो वो नहीं, उसका जोनर है ही नहीं, उसका व्यवहार ऐसा नहीं लेकिन फिर भी वो वैसा व्यवहार करने लग जाता। अगर इनमें से कोई भी बात है या इसके अलावा अन्य कोई भी चीज़ है तो भी ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लें, इसका निवारण कर लें कि इन चीज़ों से आपको कैसे बाहर आना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ एक बात और ये जान लेना आपको कि इनसे कैसे हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी किसी ने कुछ करा रखा या काला जादू की बात होती है तो एक मेंटिलिटी ना बनाए। जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं आपको कि किसी ने कुछ कर रखा है और जैसे ये कोई ने कहा आपके दिमाग में ये बात चालू हो जाती है कि किसी ने कुछ कर रखा, आप वैसा व्यवहार करने लग जाते, आपको चीज़ें वैसी समझ आने लग जाती, आप उसके लिए बहुत से तांत्रिकों और बहुत से पैसों और ठगों में चले जाते हैं। इसका एक ही हल है, इसका एक ही उपाय है कि अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा रखा है तो अपने घर में 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ आप मोबाइल में डाउनलोड करके चला ले या ऑडियो टेप में लगा ले या आपको जैसा भी उचित लगे ऐसा आप राम नाम की धुन लगा ले। यही सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक और सबसे बड़ा उपाय है। ये भी प्रैक्टिकल है, ना इसमें कोई पैसे आपको लगने वाले हैं ना किसी प्रकार से कोई परेशानी होने वाली है। दूसरी बात है दरिद्रता। दरिद्रता बेसिक जो उसका मेन पॉइंट है होती है, हमारे घर में कई सारी नेगेटिविटी चीज़ का हो जाने की वजह से दरिद्रता आती है जिससे हमारे काम नहीं बनते, घर में हम परेशान रहते हैं, घर में कई सारी चीज़ें नेगेटिव होती रहती है। उसके मूल कारण है कबाड़। जो भी आपके अनुपयोगी चीज़ें उन्हें अभी इसी वक्त आप या तो बेच दें, ज़रूरतमंद को दे दें, घर में फटे पुराने कपड़े या तो डोनेट कर दें या उन्हें घर से बाहर कर दें, मतलब जो चीज़ें अनुपयोगी है, जो काम में आ ही नहीं रही है, उन चीज़ों को संभालने से दरिद्रता आती है। और महिलाओं का अपमान करने से, जो महिला को सम्मान नहीं करते हैं उन लोगों के साथ ये समस्या होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।